इंदौर में सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों से भंवरकुआं चौराहे से तेजाजी नगर चौराहे के बीच सड़क बनाने की स्वीकृति मिली थी। अब इसकी मंजूरी भी केंद्र सरकार ने इंदौर नगर निगम को भेज दी है। सांसद शंकर लालवानी पिछले 2 सालों से लगातार इस सड़क को बनवाने के लिए प्रयासरत थे। सांसद लालवानी ने इस विषय में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कई मुलाकात भी की थी। सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने इंदौर नगर निगम को जल्द कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है ताकि लाखों लोगों को राहत मिल सके। सांसद ने कहा कि इस सड़क के बनने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, आवागमन आसान होगा और ट्रैफिक जाम भी नहीं लगेगा। सांसद लालवानी ने कहा कि इस रोड पर कई महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थाएं, IIT, यूनिवर्सिटी और स्कूलें तथा नई कॉलोनियां भी विकसित हो रही है। सांसद ने कहा कि यह सड़क कई सालों से पेंडिंग थी और ना ही ये नहीं बन पाई थी और ना ही इसका चौड़ीकरण हो पाया था। इस सड़क को बनाने के लिए सांसद लालवानी न सिर्फ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सतत संपर्क में रहे बल्कि उन्होंने MPB से पोल हटाने, नगर निगम से बात कर ड्रेनेज और पानी की लाइन शिफ्ट करने की बात भी कही तथा मुख्यमंत्री कार्यालय से भी संपर्क में थे और अब केंद्र के नगर निगम को मंजूरी भेजने के बाद काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। भारतीय न्यूज के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। आज इंदौर के लिए खुशी की बात है कि लंबे समय से हम भंवरकुआं चौराहे से तेजाजी नगर सड़क की मांग कर रहे थे। पिछले दिनों जब मैं माननीय नितिन गडकरी जी से मिला था तब उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी। आज उसका पत्र भी मिल गया है और अब ये सड़क नगर निगम इंदौर बनाएगा और केंद्र सरकार उसकी राशि देगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, इंदौर की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हम सब एक बार बैठकर इसमें कैसे आगे बढ़ना, मैंने जिला प्रशासन से बात की है, नगर निगम कमिश्नर से भी बात की है कि इसे शीघ्र बनाने के लिए जो जो कार्रवाई करना है वो करना चाहिए। Subscribe now to most exciting channel ever.